और हमारे मुमरा के लाडले एमएलए जितने आवास साहब भी और हमारे अशोक पठान एक शानी भाई तो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, पेश पेश है। उन्हीं के साथ साथ में हमारे तमाम नगर सेवक नगर सोई का यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। जैसे जैसे आएंगे मैं उनका नाम अनाउंस करता जाऊंगा दोस्तों, तब तक आपका मनोरंजन करता भी जाऊंगा कि बख्श देता है खुदा इनको जिनकी किस्मत खराब होती है। देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। बात करो देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। तुम वक्त जो भी उसको मिलता है जीना छोड़ देता है, जो भी उसको मिलता है जीना छोड़ देता है। हम ज़दा हैं तो कभी सवाल भी हो सकते हैं, हम जो गए हैं तो आभार भी हो सकते हैं। हमको कमजोर समझते न करो वो साथी, मुझसे आ जाए तो गमजा भी हो सकते हैं। हम जो फोकों में नजर आते हैं कमजोर समय, हम जो फोकों में नजर आते हैं कमजोर समय, खुदाई है जो शब्दों में मान जाता है वरना ये इंसान से जान लेकर भी राजी नहीं होते। अजय मैदान मस्जिदों में हल्ला पड़ा, लिखना बयान साल पर अंदर ना पड़ा और पड़ा है अरना कैसा थोड़ी सी हमारे साहब के साहब का जो टाइटल से इस मंच में शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, कृपा करते हैं हमारे आनंद प्रांत के साहब माँ जी एम पी खास साहब हमारे आनंद प्रांत के साहब की जो तारीफ से बता रही है हमारे माँ जी एम पी हो चुके हैं हमारे शहर के दोस्तों, आपको भी वेलकम करते हैं, मुंबरा जी का भी वेलकम। मैं नगर टोली का कॉल करता हूँ मंच से, वो भी यहाँ पर तस्वीर ला चुकी है एक रोटी तोड़ कर सत्तर मोहरे पर वो बच्चों की देख कर मैंने पड़ोसी के लिए एक रोटी तोड़ कर सत्तर मोहरे कर दिए दोस्तों। लेकिन आमद आमद है हमारे शिक्षकों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे मेहमानों की, मुख्य अतिथियों की,
दोस्तों हम हमारे मुंबरा प्रजा के विधानसभा सभा मुंबरा के अध्यक्ष जनाब समीर खान साहब का भी स्वागत करते हैं। हमारे मुंबरा के वरिष्ठ सीनियर इंस्पेक्टर जनाब रविंद्र काले साहब का भी इस्तेमाल करते हुए मन से भाई का भी इस्तेमाल इस मन से जैसे हमारे लाडले डॉक्टर कृष्ण आवाज साहब हमारे थाना म्यूनिस्पल कमिश्नर संजीव जयपाल साहब यहाँ पर आए हैं भूमि पूजन के लिए, हम उनका इस्तेमाल करते हैं मन से। आपको बताता चलूँ ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है, राजन किले साहब का भी इस्तकबाल है यहाँ पर। आज रोड की भूमि पूजन है, रोड का काम आज से शुरू हो रहा है, आज से काम शुरू हो रहा है दोस्तों। ये खाला को मित्तल ये ग्राउंड वाले कौन है वो उधर दाढ़ी वाले अंदर जाओ अंदर जाओ दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले अभी बात नहीं हम सुनील मित्तल साहब की खिदमत में हमारे जितने आवाज राष्ट्रीय प्रधान साहब और आवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि फूलों की माला दे। आज उन्होंने हमारे में इतनी बड़ी जगह दी है, उसी के साथ में हमारे चौहान साहब भी आए, सभी अनिल सुरेश मित्तल साहब की खिदमत में देखिए तो भाई हमारे मुंबई की सरजमीन के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं आवाज साहब से गुजारिश करूंगा सुरेश साहब की खिदमत में हाथ लगाए थे हाथ लगा के बोले क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है इनकी हमारे लिए। अनिल पाटिल साहब आनंद पाटिल यांचा सत्कार आता शानू पठाण करते, आनंद परांजे यांचा सत्कार राजू अंतरी करते, जमीन भाई आया उनका स्वागत इस्तेमाल करते हैं और सभी नगर सेवकों का स्वागत करते हैं। गोसावी साहब पाटोले साहब गोसावी साहब हिंद का चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबरा गोसावी साहब का सत्कार भी स्वतः करना और समींदर से मैं गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा तो वो जसवंत साहब को भूखे देखे उनका स्वागत करे ना आ गया सबको मौका दो साढ़े तक ऊपर आइए
वो प्लीज ऑर्डर पर मत चलिए। सुनील भाई करिए गोयल साहब मिम्बर के साथ, मिम्बर साहब वो आए नहीं है, उनको मैं मिम्बरा की तरफ से स्वागत करता हूँ, इस्तीफा करता हूँ। पाटोले साहब को इस्तीफा पूरा मोदी साहब करेंगे। पाटोले साहब, पाटोले साहब का स्वागत पूरा मोदी साहब करेंगे। पाटोले साहब आ जाओ, और डॉक्टर एडवोकेट आरजी साहब और डॉक्टर लोग आए और मानव सब जैसा सब का इस्तीफा करना चाहते हैं। दो तीन डॉक्टर का एडवोकेट आए, आइए आरजी साहब, आरजी साहब डॉक्टर साहब आगे आइए, आइए आरजी साहब एडवोकेट आरजी साहब आगे आइए, डॉक्टर साहब तुम्हें का अभी सब नगर से एक लोग थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, स्टेज झूल रहा है, थोड़ा सा सब लोग नीचे उतर जाओ प्लीज, प्लीज नीचे उतर जाओ, प्लीज नीचे उतर जाओ, प्लीज नीचे उतर जाओ, प्लीज नीचे उतर जाओ, ऐसा फोटो लेंगे और ऐसा स्वागत हो गया। हमारे जसवंत साहब, कमिश्नर साहब, माननीय जितेंद्र राव सबका स्वागत करेंगे। और एक मिनट के सब लोगों को सभी लोगों से आगे आ गए, वो कमिश्नर साहब का सामने कर लिया, अपनी स्टेज पर जाएंगे, सभी लोगों से आगे आ गए। हमारे सभी नगरजनों को विदाई करते हैं, एक ग्रुप फोटो होने से हमारे आवाज साहब और शर्मा भाई का और सारे नगर सेवक का ग्रुप फोटो हमारे चेतन साहब और मित्तल साहब के साथ में। महिला नगर सेवक आगे आती है प्लीज, सिर्फ महिला नगर सेवक संगीता वाले पूरे ना आगे आ जाओ, महिला नगर सेवक आए बस। नगर सेवक महाराज चंद बोल रहे सर, एक कमिश्नर आपको भूमिका देने के लिए महाराज चंद नगर सेवक राजन भाई, राजन भाई आदे आदे अभी ये कार्यक्रम ये इमरानपुर में है, हमें मुझे लगता है कि बहुत गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, लोगों को भी दिक्कत हो रही है, हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों की अब शांत रहो, बहुत दिनों की मुंबरा वासियों की तमन्ना थी कि मित्तल ग्राम से एक रास्ता निकले और वो स्टेडियम से जाके हुए वहां से चौथा की तरफ बाहर निकल के, ताकि ये ट्रैफिक थोड़ा सा में आसानियत हो। पांच छह साल हमने लगातार मेहनत की, मैं आज सबसे पहले दो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने काम में मेरे से ज्यादा मेहनत की, वो है एक सुनील मित्तल जो मित्तल ग्राउंड के मालिक है और इसको सैंक्शन देने वाले हमारे दबंग अमिताभ बच्चन संजय जोशवाल जी, बिना संजीव जायसवाल के ये काम नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। और ये मैं कोई उनको बड़प्पन नहीं देना चाहता हूं, आपको मालूम है मुंबरा में जब से हम मैं आया हूं मैं पत्थर से पत्थर ही कहता हूं, ये बिना संजीव जायसवाल के मदद से इनके तान से ये काम हो नहीं सकता था। उन्होंने ध्यान दिया, मित्तल साहब का सहकारिया मिला, आज मुंबरा का 120 फुट का रोड बनने जा रहा है जो मुंबरा का सबसे बेहतरीन रोड होगा। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसके बाद तुरंत हाँ अभी शामिल हम तीनों का सत्कार करेगा। कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित इस बात के सामान्य आमदार मेरे अच्छे मित्र श्री जितेंद्र रावत जी, आलू पठान, राजू अंसारी, गेनी साहब जिसने यहाँ पे नगर सेवक है, हीरा पाटिल, विशेष करके सुनील मित्तल उनके भाई और मेरे साथ आए हुए सब अधिकारी वर्ग, आनंद फरांच पे सर,
अमित सरैया जितने हमारे नगर सेविका है और मेरे समाधिकारी बंधु और पत्रकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित हुए सब लोगों को, सबसे पहले मैं एक बात का खुलासा करना चाहूँगा कि ये आमदार साहब का बड़प्पन है, उनका मोटापन है कि उन्होंने इस काम का श्रेय श्री मित्तल या मुझे दिया। अगर सही माने में इस काम का श्रेय किसी को देना चाहिए जिसने इसको शुरू से लेकर इसकी फॉलोअप किया, पत्रावा किया और उसके वजह से आज ये काम की प्रत्यक्ष यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो वो आपके लाख के आमदार श्री जितेंद्र अवार्ड है, इसमें उसके लिए एक दोस्त से पहले हो गया। अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, अधिकारी से काम करवा लेना ये भी अपने आप में कला है और प्रेम से वो काम करवा लेने में जो मजा है वो शायद लड़ने के बाद अगर वो काम हो तो उतना मजा नहीं आता। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मुमरा के संबंध में जब भी आमदार साहब या जितने यहाँ के आपके नगर सेवक हैं, आपके सभापति हैं या जितने भी नगर सेविका है, जब भी उन्होंने यहाँ के मुद्दे को लेकर मेरे पास या हमारे ऑफिस में आए हैं, हमेशा एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा जो होती है जिसमें एक हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी कोई वाद नहीं है, हमारी कोई इस विषय पर कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही है कि लोगों की जो वहाँ पे मांगनी है उस मांगनी को पूरा करने के लिए हमें लोगों ने चुन के लाया है और चूंकि चुन के लाया है तो हमारा कर्तव्य है कि आपके सामने वो हम पेश करें। और मुझे कहने में आनंद है कि बहुत सारे जो उनकी मांगनी थी वो मांगनी को हम लोगों ने पूर्ण करने का कोशिश किया है। अभी पिछले ही दिनों में यहाँ पे जो रोड वाइडनिंग पिछले बार हुआ था उसका जो अपने को सीवर लाइन या ड्रेनेज लाइन का जो काम करना था उसकी काम की मंजूरी दी गई है। ट्रांसफार्मर्स की जो रस्ते पे शिफ्टिंग करना था वो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो फोल्स या जो वहाँ पे लाइन हो रही है उसके लिए अंडरग्राउंड डक करना और उसके बाद वहाँ पे जो भी अपनी वायरिंग करना पड़ेगा उसके लिए जितना तस्तु देना है वो तस्तु दी जाएगी। पिछले अभी कुछ साल मैंने कुछ दिन पहले जो बारिश हुई, खास करके 29 अगस्त को जो बारिश हुई और उसके वजह से कुछ इलाकों में जहाँ पे पानी जमा होने की शिकायत हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए उस भाग में नाला नए रूप से किया जाए उसके लिए करीबन 22 करोड़ की काम जो है उसका मंजूरी पिछले जीडी में हमने उनके कहने पे और बाकी सबके नगर सेवकों के कहने पे दिया है। मुमरा के लिए जो सबसे एक ज्वलित प्रश्न है जो मुझे मालूम है कि मैं आने के बाद से यहाँ पे वो मुद्दा हमेशा उपस्थित किया गया था वो है आपका कब्रस्तान का जो विषय है, तो उसके बारे में मुझे कहने में आनंद है कि आमदार साहब और बाकी सब नगर सेवक के पाठपुरावा की वजह से उस काम की मंजूरी तो दी गई थी लेकिन बीच में बारिश की वजह से वो काम रुका गया था और अब जब ये रस्ते का काम चालू हुआ हो रहा है तो उसके साथ ही वो कब्रस्तान का भी जो काम है वो जल्दी से जल्दी चालू करके खत्म किया जाएगा ताकि मुमरावासी को जो है जो इस मुद्दे को लेकर जो परेशानी करना पड़ता है 5 एकड़ की ये कब्रस्तान है इससे ये आपकी जो मुश्किल है वो दूर होगी। अभी आते वक्त ही आमदार साहब ने मुद्दा रखा है कि जो मुमरा के अंदर आने के बाद पुलिस स्टेशन की तरफ से पार्सिक का जो गोगा है वहाँ पे जो रेलवे की ब्रिज है उसकी चौड़ाई कम है और उसकी चौड़ाई कम होने की वजह से ट्रैफिक एकाएक आके वहाँ पे अटक जाती है या ढीला सा हो जाती है। तो अभी उनके कहने पर अभी मैंने हमारे लोगों को ये कहा है कि अगली जो रेलवे के साथ संयुक्त बैठक होगी उस बैठक में ये प्रस्ताव को भी रखा जाए ताकि रेलवे से अगर उसको मंजूरी दिया तो हम लोग उसके लिए जो भी आर्थिक तस्दीक करना होगा वो करेंगे। एक और मुद्दा मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आमदार और यहाँ के नगर सेवक नगर सेविका ने हमेशा शहर के मैंने मुमरा के खास करके जो अंतर्गत रस्ते हैं वो अंतर्गत रस्ते को UTWT और 70 रोड वो काम किया जाए। पिछले साल भी महानगर पालिका इलेक्शन के पहले 44 रस्ते का जो है काम मंजूर किया गया था और जहाँ तक मुझे मेरी मुलाकात है जहाँ पर सब काम कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो बाकी 70 रोड है और उसके लिए करीबन 23 कोटि का जो तरतूद है वो आने वाले जीबी में नवंबर की जीबी में उसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा और वो काम भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। एक मेन रोड के बारे में जैसे मैंने कहा है कि मेन रोड का वाइडनिंग, मेन रोड का जो कुछ पोर्शन है जो UTWT अगर करना पॉसिबल होगा तो उसके लिए भी तरतूद देंगे। और सबसे एक जो विषय हमेशा मुमरा में आने के बाद आज भी कुछ लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उपस्थित किया था कि जो यहाँ के हॉकर्स हैं, हॉकर्स की जो फुलोबस्तर है, अभी सही में मैं अगर कहूँ तो शानू पठान, राजू अंसारी, केली साहब, ये जितने आपके भारतीय नगर सेवक नगर सेविका इन्होंने पूरे लीड लेके जो रास्ता रुंदीकरण में जिनकी दुकानें गई थी उनका फुलोबस्तर का प्रश्न तो अभी हम लोगों ने सुन रहे हैं या आने वाले दिन में बाकी लोगों की भी दुकान बन जाएगी,
लेकिन साथ ही साथ में जो गुलाब मार्केट और मुंद्रा शहर के लिए एक बहुत ही अहम का विषय है, मैंने वो ऑफिस की जो विषय है उसके लिए हमारी कोशिश है कि उसके बाजू की जो एक भूखंड है उस भूखंड पे ऑफिस की पुनर्वसन की जाए। उसके लिए मुझे आशा है कि पुलिस की सहकारी हमारे बहुत ही सक्षम सीएसआई यहाँ के श्री पायरे साहब यहाँ पे हैं और मुझे विश्वास उन्होंने दिया है कि बस आने वाले कुछ दिनों में वो जो एक समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी सहकार्य उनकी तरफ से मिलेगा और साथ ही साथ वो आपकी फोकस की पुनर्वसन हम करेंगे। आज जिस काम पे हम खड़े हैं इस रस्ते के लिए खास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री मित्तल और उनके कुटुंब के सब लोगों को, क्योंकि ये रस्ते की जरूरत बहुत सालों से थी और इसकी जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो अड़चन थी इस जमीन की हस्तांतर। उन्होंने इस पर हम लोगों ने जो प्रस्ताव उनके सामने आमदार साहब ने अपनी उनके साथ दोस्ती की है तो अपनी खासगी दोस्ती और सरकारी यंत्रणा दोनों की अगर मिश्रण की जाए तो उसकी क्या परिणाम हो सकती है उसका उत्तम उदाहरण आज ये रस्ते हैं। और मैं खास करके मित्तल साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से ये रस्ते का काम चालू हो रहा है और मित्तल जी आप खुद देख रहे हैं कि इतने मोटे प्रमाण में लोग यहाँ पे उपस्थित है, जिसे जो मैं आपको घड़ी घड़ी हमेशा कहता था कि ये रस्ते की जरूरत वहाँ की जनता की है और वो जनता की जरूरत होने की वजह से ट्रैफिक के हिसाब से आपने जो उसमें योगदान दिया उसके लिए आपके मनोज से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अंतिम विषय मुंद्रा ऐसे तो विषय अंत कभी नहीं होता है, लेकिन मेरे कार्यकाल के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो कि मैंने कोशिश किया था, हम लोगों ने आमदार साहब ने भी कोशिश किया था कि जो JDRM के अंदर में पहले 3 साल पहले यहाँ पे जो एक पानी पुरखा का जो इश्यू था 120 करोड़ का मुंद्रा दीवा और कौसा का लिए उसको पुराने टेंडर को हम लोगों ने सामने रखा था, लेकिन कुछ तांत्रिक वजह से उस टेंडर को मंजूरी हम दे नहीं सके। मैं आप लोगों को आमदार साहब को खास करके आश्वासन देना चाहता हूँ कि नवंबर की जीवी में वो पूरी 120 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो मंजूरी के लिए रखा जाएगा पानी का और दिसंबर तक उसकी या जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट करके जनवरी महीना का अंत तक उस काम का शुरुआत प्रत्यक्ष शुरुआत मुंद्रा में माननीय आमदार के सुबह से की जाएगी, ऐसा मैं एक आयुक्त के तौर पर आपको गवाही देना चाहता हूँ। और उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी का एक भाग समझ के जब तक ये काम पूरा न हो तब तक तात्कृति स्वरूप में अगर कुछ जगह पे स्टंप बनाया जाए पानी का स्टंप किया जाए ऐसा प्रस्ताव माननीय आमदार जी का आया था पिछले अक्टूबर जुलाई में, उसको भी मंजूरी दी गई है, 7 स्तंभ की मंजूरी दी गई है और वो काम बहुत ही जल्द से जल्द चालू हो जाएगा ताकि जो आपका 1.5 साल तक या 2 साल तक पानी पुरखा का जो पूरा काम होने में टाइम लगेगी उसके पहले ये स्तंभ का काम अगर हो जाएगा तो कुछ प्रमाण में पानी की समस्या जो यहाँ पे है वो दूर होगी। अंतिम का जो विषय है कि मैं बोल दिया शानू प्रधान का एक आग्रह है कि यहाँ पे जो ग्राउंड है शिवाजी गांव क्या बोलते हैं शिवाजी नगर का वो ग्राउंड को जो है मिनी स्टेडियम के रूप में रूपांतर की जाए। पिछले बार जब मैंने आया था तो मैंने उसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन जैसे महानगर पालिका में होती है कि जब तक हमारे नीचे वाले पूरे कन्विंस नहीं होते हैं तब तक आयुक्त चाहेंगे तो उसको रोक लगा देते हैं, लेकिन अभी वापस जाने के बाद अगर आयुक्त कन्विंस होता है तो नीचे वाले को वो करना ही पड़ेगा, इसको मैं ठीक करके वो फैसला दे दूंगा। लास्ट का जो विषय है कि आपका यहाँ पे जो बहुत सालों से एक मांगनी है मुंद्रा की लोक संख्या की वार्ड और यहाँ पे जो जितने लोग रहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कि एक मुख्य प्रशासकीय इमारत ये अपनी जो ट्रस्ट की जो जमीन है बाहुबली ट्रस्ट जैन मंदिर उस जगह पे हो ताकि वहाँ पे पुलिस कार्यालय हो या महानगर पालिका का वार्ड ऑफिस हो तहसील हो या फिर जो बाकी कार्यालय हो वो वहाँ पे आ सके ऑफिस आ सके। बहुत ही कोशिश करने के बाद हम लोग इसके अंतिम तप्पे पे आ गए हैं और अगर अल्लाह की दुआ रहे और अगर आप सबकी आशीर्वाद रहे तो मुझे विश्वास है कि 2 महीने के अंदर उसका भी काम का शुरुआत हम लोग माननीय आमदार के शुभ से करेंगे। चौपाटी का विषय आपके सामान्य अंसारी साहब ने उपस्थित किया है, पहला कप्पा में रेती बंदर चौपाटी का जो काम है वो काम चालू की जा रही है तो वो मुंद्रा बोगरा की तरफ से जो भाग है उसका काम होगा और उसके अलावा जहाँ पे क्रीक की तरफ भी यहाँ पे अपने को और चौपाटी का काम करना सकते हैं जहाँ पे नागरिक हमें साथ देंगे अगर कुछ अतिक्रमण हो निकालने के लिए तो उसका भी नियोजन की जाएगी, उसकी भी समीक्षा करके वो काम को मंजूरी दिया जाएंगे। थोड़े में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके आमदार
यहाँ के आपके नगर सेवक बहुत ही सक्रिय है, आपके विषय को लेके हमेशा मेरे पास आते हैं, कभी प्यार से कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी हमारे सूत्रों में भी होते हैं, जो प्यार अभी दिख रही है हमेशा ऐसा प्यार नहीं होता है, कभी कभी हमारे आपस में इतनी दुश्मनी हो जाती है कि ये भी कहते हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, मैं भी कहता हूँ मैं भी आपको देख लूंगा, लेकिन शायद ये दोनों का प्यार है कि इस बात का विकास हो और जो हमारी आपसी जो कुछ मतभेद होती है वो सिर्फ विकास को लेके और विचार को लेके है, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन शाम के समय जब भी वो हमसे मिलना चाहे या हम उनसे मिलना चाहें हम हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह से अगर एक स्थानिक लोक प्रतिनिधि या जो बाकी नगर सेवक या नगर सेविका है कि अगर वो अपने भाग की समस्या को लेकर अगर सामने आए और प्रशासन से वो करवा ले, जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया गोसावी हो या पटोले हो या जितने भी हमारे मनीष जोशी है जितने बाकी अर्जुन या जितने भी अधिकारी वर्ग है, कंप्लेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग इससे जो है शिकायत भी करते हैं कि काम ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक शिकायत में कोई तथ्य नहीं हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ काम होता है वहीं पर शिकायत होती है, नहीं तो अगर इंसान ये डर के काम न करे कि मेरी शिकायत होगी या मैं अगर कुछ करने जाऊँगा तो मेरे बारे में लोग कुछ बोलेंगे, और सब लोग अगर काम करना बंद कर दे तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है इसके बारे में मेरे को विस्तार में कहने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर आपके आज का इस कार्यक्रम के लिए शानू पठान ने विशेष करके राजीव अंसारी ने केनी साहब ने बहुत ही परिश्रम किया है, और सही में आज मुंबरा आने के वक्त मुझे डर भी लग रहा था, इतने सारे जगह पे मेरी होर्डिंग्स लगी हुई है तो कल कोई शिकायत मेरे बारे करे भी तो उसको उसका भी भला हो, जो नहीं करेगा उसका भी भला हो। अब होर्डिंग लग गई, कार्यक्रम हो गई, अब इसके बाद जो है वो जो वहाँ देखा जाएगा दिवाली की प्रणाली है, और उसके लिए मैं हर एक यहाँ पे उपस्थित सब लोगों को दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूँ, और उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण को वातावरण को संतुलन रखने के हिसाब से दिवाली की संत की आप साझा कीजिए। मुंबरा एक अपने आप में एक विशिष्ट उसकी जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश में है, और मुंबरा में जो ये प्रेम हमेशा मिलता है वो प्रेम हमेशा हम लोग पे लागू रहे। एक बार फिर माननीय आमदार माननीय यहाँ के नगर सेवक सनी पठान को खास करके आप लोगों ने हमें बुलाया और प्यार से हमें जो सत्कार किया उसके लिए आपसे आप सबका मन से शुक्रिया अदा करते हुए मित्र साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए आप सबकी धन्यवाद। आपके लिए शेर है, एक मिनट तो न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, जब भी डूब जाता हूँ दरिया उछाल देता है मुझे। भाई साहब आपने जो है कहा कि मालूम नहीं क्या हुआ, इतनी बड़ा बहनों की दुआ आपके साथ है कि दुआ के सामने अल्लाह आपके साथ जो जीवी मान आपके दिल में है सबको मंजूरी दे देगा इंशाल्लाह। वो शानू भाई उमन डाली की चौथी मंजूर हो चुकी है, और मैं मरीज कोशिश ये कहूंगा कि सब स्थानीय नगर सेवक इमरान सुरमे को हाथ में लेके वहां पे वो कायम की जाए और उसको कमिश्नर ने भी मंजूरी दे दी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ आप दोनों देना चाहते हैं थाना शहर में और पोखरान के और मुमरा में एक साथ कार्रवाई हुई थी रोड पे बावन पानी, लेकिन पोखरान रोड बन गया, थाना शहर का रोड बन गया, यहाँ जो तोड़ा गया सर वो कब बनेगा? आपने इतनी सारी चीजें थी उसका ऐलान नहीं। माइक माइक यहाँ पे क्या हुआ है कि पोखरण रोड एक और मुमरा में फर्क ये है कि ये बहुत ही दांत बस्ती है, यहाँ पे ट्रैफिक अगर बंद करना रहा या ट्रैफिक को डाइवर्ट करना रहा ऑल्टरनेटिव रोड नहीं है। अभी ये रोड अगर हो जाएगी तो काफ़ी हद तक यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रोड होगा। बीच में हम लोगों ने काम किया, काम करने के बाद में ऐसा नजर में आया कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक पोल्स है जिसको शिफ्टिंग करना पड़ेगा, उसकी तरतूज की गई। अभी मेरे को जितना मालूम है जबलपुर जितने ट्रांसफार्मर थे उसकी 90% ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग हो गई है, जो बाकी 10% है उसकी भी शिफ्टिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल जो वायर्स आपकी मेन इसमें दिख रही है उसके लिए अंडरग्राउंड डक और उसका वायर शिफ्टिंग उसके लिए तरतूज दी गई है, और खास करके ये रोड वाइडनिंग के बाद में यहाँ पे जो पानी बह जाए उसका लिए जो व्यवस्था करना था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के हिसाब से उसके लिए भी पिछले जीवी में मंजूरी दी गई है। मैं मानता हूँ कि उसके लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी विलंब हुई है, लेकिन आशा रखता हूँ कि मार्च 2018 तक हमारी नियोजन है कि ये पूरी तरह से ये काम कंप्लीट किया जाए। अभी भी आपने देखा होगा कि जहाँ से हम उमरा की तरफ एंटर करते हैं
वहाँ पे बारिश के वक्त जो काम बंद किया गया था ब्रिज के नीचे का पोर्शन में, वहाँ पे भी अभी हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। और जैसे यहाँ पे इतनी यूटिलिटी है, इतनी घरें हैं, इतनी बस्ती है, फिर यहाँ पे रमजान के समय काम बंद करना पड़ा, जो कि एक महीना जो है उसका एक लोगों की जो भी धार्मिक ये रहता है, सबको मद्देनजर रखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ी सी विलम्ब नहीं हुई है, लेकिन विलम्ब जो हुआ है वो विलम्ब का जितना विघ्न है वो विघ्न को दूर किया गया है और मार्च तक ये सब काम कम्प्लीट हो जाएगा। उनके तरफ से बताता हूँ अनवर भाई कि 30 करोड़ रुपए का खर्चा रखा गया है रोड वाइंडिंग के लिए और नवंबर महीने के महासभा में वो 30 करोड़ रुपए का होता है, तो फिर हमारा पूरा वाई जंक्शन तक रोड वाइंडिंग, पूरा केबलिंग और ये जितने भी टोल दिखते हैं वो सब बाजू में हो जाके अपना भी रास्ता इंशाल्लाह पोखरण रोड जैसा ही दिखेगा। स्वागत करते हैं।